Good morning, everyone. This is the sum we will do now in front of your screen. On 7th November 2018, the premises of Bulbul were destroyed by fire. So, on 7th November 2018, there was an occurrence of fire in the premises of Bulbul, but sufficient records were saved from which the following particulars were found. क्या information मिला है? Let us see. 1/4/2017 का stock 80,000, 31/3/2018 का stock 98,000. So opening stock है 1/4/2017 का and 31/3/2018 का stock is closing stock. And then we have purchases for financial year 2017-18, 6,75,000, and sales for financial year 2017-18 was 8,10,000. Then we have purchases from 1 April 2018 to the date of fire 7th November, 5,05,400. Then we have sales 1/4/2018 till date of fire, that is 7/11, in 6,25,000. In valuing the stock for the balance sheet at 31/3/2018, last year ka closing stock, tab rupees 8,000 had been written off certain stock having cost of rupees 14,000. So, जो 14,000 का एक स्टॉक था ओपनिंग स्टॉक, उसको मैंने नॉट लाइक दैट, दे से कि 8,000 का एक 8,000 वर्थ का गुड्स था, उसका क्या हुआ, उनका कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट वॉज 14,000. इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31/3/2018, rupees 8,000 had been written off certain stocks having cost of rupees 14,000. तो ये यहाँ पे कोमा आएगा. सो क्या हुआ कि 14,000 के कॉस्ट का जो गुड्स है उसका 8,000 वैल्यू कम हुआ. ये तो अबनॉर्मल नेचर का लगता है. नॉर्मली तो गुड्स का वैल्यू इंक्रीज होता है. यहाँ पे 14,000 वैल्यू का जो गुड्स है उसका 8,000 वैल्यू कम हो गया. एंड दे से हाफ ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन मे 2018. मे मींस द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. अप्रैल से नवंबर तक जब आग लगा है वो ईयर में, मे मंथ में, ये फॉर हाफ द गुड्स, हाफ ऑफ दिस गुड्स, मतलब 14,000 का हाफ इज 7,000. तो 7,000 का गुड्स जो है वो 2,000 में सेल कर दिया. द बैलेंस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 60% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. तो 14,000 में 7,000 सेल कर दिया तो बाकी हाफ जो है वो भी 7,000 का बचता है. वो 7,000 का जो गुड्स है उसका वैल्यू इज ओनली 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट. तो 7,000 का 60% निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4,200. सो सब्जेक्ट टू दिस एक्सेप्शन, ये 14,000 का गुड्स को छोड़ के, ये एक्सेप्शन को छोड़ के, ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म रेट. बाकी सबका प्रॉफिट जो हम चार्ज करते, बाकी गुड्स जो परचेज किया है ना उसका प्रॉफिट जो है दैट इज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेम एक्सेप्ट दिस गुड्स. This 14,000 worth goods. The policy amount was rupees 1,20,000. The stock salvaged was worth rupees 7,500. So we were able to save the goods worth 7,500.
show the amount of claim to be lodged with the insurance company. So we will have to first find out, क्योंकि last year का information दिया है gross profit के बारे में, कुछ दिया नहीं है, तो हमें ये बोलते हैं कि gross profit का rate uniform है, तो last year का जो rate होगा वही current year में भी use करेंगे. So in the books of name दिया है बुलबुल ना, in the books of बुलबुल. So in the books of बुलबुल, name of the company in the books of बुलबुल, what we'll have to find out, we will have to find out. ये पहले तो हमें gross profit चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जो नेक्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन 7th November, आई वॉन्ट सी माई इंटेंशन इज वॉट दैट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द क्लेम टू बी लॉज विद द इंश्योरेंस कंपनी. एंड क्लेम के लिए इन विच फिनेंशियल ईयर वॉज देयर अ ऑकरेंस ऑफ फायर, 1st April टू 7th November. तो ये वो नेक्स्ट ईयर है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉफिट भी चाहिए वो साल का, तो उसके लिए आई वांट द ग्रॉस प्रॉफिट, आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. सो उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड. व्हाट इज द ईयर एंडेड? 31st March 2018. और ये जो इसके बाद नेक्स्ट ईयर शुरू होगा 1st April में, और आग लगा है 7th November 2018 को. सो दैट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आई विल प्रिपेयर लेटर. जो फायर के लिए क्लेम कैलकुलेट डेट, जितना गुड्स लॉस्ट हुआ है ऑन डेट ऑफ फायर, वो फाइंड आउट करने के लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. We prepare the memorandum trading account, but उसके वो प्रिपेयर करने के लिए डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. एंड यहाँ पे ना एक और चीज मुझे अलग से फाइंड आउट करना है, सो आई विल प्रिपेयर वन मोर कॉलम ईयर. One minute. So, rupees. I will show this. What is this? I will show. Wait. I will show because यहाँ पे abnormal goods का अलग से sales सब कुछ दिया है. तो I am preparing abnormal के लिए अलग से. So, यहाँ पे मैं दो कॉलम बना रही हूँ, एक अबनॉर्मल के लिए और दूसरा नॉर्मल. सो हियर ऑल्सो अबनॉर्मल रुपीस एंड नेक्स्ट वन इज नॉर्मल रुपीस. सो लेट अस स्टार्ट दिस. तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है. ओपनिंग स्टॉक कितना है? 80. इसमें कोई अबनॉर्मल स्टॉक है ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है, पूरा का पूरा नॉर्मल है, पूरा का पूरा नॉर्मल है. इसके बाद हमारे पास परचेसेस आता है, यहाँ पे परचेसेस. एंड परचेसेस है टोटल 675,000. और ये 675,000 में 14,000 का गुड्स है जिसका 8,000 वैल्यू राइट ऑफ हो गया. सो व्हाट आई विल डू,
675,000 में से 14,000 का वर्थ का गुड्स है जो कुछ अबनॉर्मल नेचर का है, क्योंकि उसका वैल्यू कम हो रहा है. नॉर्मली तो हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उसको फिर हम वैल्यू एडिशन करके सेल करते हैं, बट हियर देयर इज अ वैल्यू रिडक्शन, राइट ऑफ हो रहा है वैल्यू. तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी 14,000, क्योंकि 14,000 का जो गुड्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक जरा डिफरेंट है. सी अबनॉर्मल गुड्स आर डिफरेंट, आर नॉट लाइक द नॉर्मल. सी उनका फीचर्स, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है. नॉर्मली गुड्स का वैल्यू इंक्रीज होके हम सेल करते हैं, यहाँ पे तो इसका वैल्यू कम हो रही. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गिफन गुड्स. नॉर्मली दे हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज दे आर अबनॉर्मल इन नेचर. सो देयर हियर ऑल्सो देर आर सर्टन गुड्स विच आर नॉट नॉर्मल इन नेचर, दे आर अबनॉर्मल. उनका वैल्यू इंक्रीज होने की जगह उनका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. तो अगर टोटल परचेज 675,000 में से 14,000 माइनस किया तो नॉर्मल गुड्स कितना है, 6,61,000. क्या किया हमने, हमने नॉर्मल से अबनॉर्मल माइनस कर दिया तो हमें नॉर्मल भी मिल गया. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ बाय सेल्स. तो सेल हमने कब किया, ये अबनॉर्मल गुड्स को हमने मई 2018 में सेल किया फॉर 2,000, बट ये ईयर तो मार्च में खत्म हो रहा है, मतलब ये अबनॉर्मल गुड्स को हम नेक्स्ट ईयर सेल करने वाले हैं. तो यहाँ पे अबनॉर्मल गुड्स कुछ भी सेल नहीं हुआ है. तो सेल्स जितना दिया है 810,000 वो पूरा नॉर्मल गुड सेल हुआ है. इसके बाद वी गेट बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच, 98,000. और 98,000 में बोलते हैं जो 14,000 वर्थ का, ऑन विच डेट दे आर सेइंग, ऑन 31/3/2018. 31/3/2018 तो ये है स्टॉक उस दिन दे से. 31/3/2018 के दिन ₹8,000 had been written off certain stock having cost 14,000. तो 14,000 का जो गुड्स है उसका कितना वैल्यू कम हो गया, 8,000 वैल्यू कम हो गया. कितना अभी वैल्यू है उसका, 6,000. सो 98,000 में से क्लोजिंग स्टॉक 98,000 है, उसमें 6,000 अबनॉर्मल नेचर का है. तो नॉर्मल नेचर का कितना रहेगा, 92,000. देखो यहाँ पे इट इज सेड दैट 14, क्या हुआ है यहाँ पे, 14,000 का जो गुड्स है उसका 8,000 वैल्यू कम हो गया. तो वैल्यू इज 6,000. नाउ व्हाट वी विल डू, बिफोर डूइंग एनीथिंग हम है ना ये अबनॉर्मल को क्लोज करते हैं. अबनॉर्मल को क्लोज करते हैं अबनॉर्मल के कॉलम को. तो 14,000 हाईएस्ट है, यहाँ पे भी 14,000 है. तो यहाँ पे कितना वैल्यू कम हो गया, 6,000, मतलब 8,000 वैल्यू कम हो गया है. इसको हम ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड ये राइट ऑफ हो गया ना, इसका वैल्यू कम हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो वैल्यू कम हो गया. 14,000 का जो गुड्स था उसका वैल्यू दे आर सेइंग कि 8,000 रिटर्न ऑफ हो गया वैल्यू. सो वैल्यू हो गया 6,000. नाउ व्हाट वी विल डू, जो नॉर्मल है उसको हम उसको बैलेंस करेंगे. सो ये 8,10,92 becomes 9,02,000. 9,02,000. तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन.
इतना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ये अबनॉर्मल को तो हमने सेल ही नहीं किया तो प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं है, सेल नहीं किया ना। अबनॉर्मल गुड्स कुछ भी अभी तक सेल नहीं हुआ, देखो अबनॉर्मल में सेल इज डैश, कुछ भी सेल नहीं किया, तो ये कितना आ रहा है 1,61,000। तो अभी हमें एक और चीज फाइंड आउट करना है, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज हाउ मच, व्हाट इज द फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,61,000, सेल्स है 8,10,000 इनटू 100। हाउ मच परसेंट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 1,61,000 डिवाइड बाय 8,10,000 इनटू 100 is coming 19.876, so 88%, 19.88%. So इसके बाद यार इसको हम लोग 19.88 को राउंड ऑफ करें तो हम 20% भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 20 भी होता है, 19.88 कैन बी कॉल्ड एज 20 अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो, करेक्ट। सो हियर नाउ वी विल गो एंड प्रिपेयर द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन डेट ऑफ बायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1st April 2018 टू व्हेन इज द ऑकरेंस ऑफ फायर, 7th November 2018. So fire is on, occurrence of fire is on 7th November. So मैं यहाँ पे 3 columns दोनों जगह पे, so adjust the amount column. भी एडजस्ट कर लेती हूँ, सो व्हाट इज इट, पर्टिकुलर्स अबनॉर्मल रुपी एंड नॉर्मल रुपी, ये मुझे नॉर्मल नीचे चाहिए। Then we have particulars. Then ये मैं copy कर रही हूँ, लिखना पड़ेगा अच्छा। Normal. Okay, so let us start. नॉर्मल रुपी, सो हियर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का वो हो जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर 6,092,000। और उसके बाद क्या है, परचेसेस है 6,75,000,
परचेजेस है, हाउ मच इज द परचेजेस, सॉरी परचेजेस मैंने रॉन्ग देख लिया, परचेजेस है 5,05,400। हमें लास्ट ईयर का परचेज नहीं, हमें फ्रॉम द बिगनिंग टिल द डेट ऑफ हायर का परचेज चाहिए। इस 5,05,400 आई विल राइट हियर परचेजेस Selling was wrong. 5,05,400. फिर इसके बाद when we come here buy sales, हमने कुछ abnormal sales भी sell किया है, हमें total sale बोलते हैं, it is 6,25,000. टोटल सेल्स 6,25,000, बट हमने क्या किया यहाँ पे, बोलते हैं कि पहले तो जो क्लोजिंग स्टॉक था ₹8,000 हैड बीन रिटर्न ऑफ सर्टन स्टॉक हैविंग कॉस्ट ₹14,000। 8,000 में से जो बोलते हैं कि जो 14,000 का कॉस्ट का स्टॉक था उसका 8,000 का वैल्यू कम हुआ, वो तो हमने इधर किया, 14,000 में से 8,000 कम हुआ मतलब इट विल बी 6,000, 14 minus 8, तो यहाँ पे बोलते हैं हाफ ऑफ द गुड्स, जो 14,000 का गुड्स है ना उसका आधा गुड्स सेल हो गया 2,000 में, 14,000 का जो गुड्स है उसका आधा गुड्स सेल हुआ 2,000 में, तो द सेल 6,25,000 दिया है, टोटल सेल 6,25,000 में 2,000 इज अबनॉर्मल, सो नॉर्मल इज हाउ मच 6,23,000, सो द नॉर्मल इज 6,23,000। यहाँ पे सेल्स में दोनों इंक्लूडेड है, नॉर्मल अबनॉर्मल, तो हमें ये सेपरेट करना है, तो अबनॉर्मल 2,000 है तो नॉर्मल 6,23,000 है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में बोलते हैं सी व्हाट दे से, हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर ऑन मे 2018 फॉर 2000, द बैलेंस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 60% ओरिजिनल कॉस्ट, जो बैलेंस है मतलब आधा सेल हो गया, तो जो बाकी का आधा है, आधा सेल हो गया 14,000 में, हाफ सेल हो गया, बाकी हाफ जो है 14,000, द बैलेंस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, बैलेंस कितना है 14,000 में से -7,000 हो गया, तो बचा कितना 7,000, उसका वैल्यू कितना है 60%, तो 60% कितना हो जाता है, 60% हो जाता है 4,200। तो अभी हमें क्या करना है, अभी ये अकाउंट को बंद करना है, बंद करने के बाद हमें जो पता है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, दो चीज मिसिंग है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसको बोल सकते स्टॉक ऑन डेट ऑफ, वो हमने ऑलरेडी लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या ब्रैकेट में चाहिए तो लिखो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, पूरा मुझे नीचे चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है,
सब्जेक्ट टू दिस एक्सेप्शन, ये जो हमने अभी सेल किया 2000 में और अबनॉर्मल गुड्स का पूरा वैल्यूएशन किया, उसको छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेंड एट यूनिफॉर्म रेट, ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेंड एट यूनिफॉर्म रेट, तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज हम अप्रोक्सीमेटली 20 लेने वाले हैं, बिकॉज 20% है, 19.88 को हम 20 ले सकते हैं, तो 6,23,000, अगर हमें 19.88 लेके करना है तो भी चलेगा, 19.88% लेके करेंगे देन ऑल्सो इट इज ओके बिकॉज इट इज 19.88 ओनली, हम तो ये राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर नहीं करना है तो नो लेट अस नॉट टेक इट एज 20, लेट अस टेक इट एज 19.88 ओनली, तो 19.88 लो, 19.88%, ऐसे भी कर सकते, 20 लेके भी कर सकते, तो 19.88 करेंगे तो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 1,23,852, अभी इसको क्लोज करो कितना आ रहा है? आ रहे 92,000 प्लस 5,05,400, दिस इज कमिंग टू 7,21,252, 7,21,252, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? माइनस करो 6,23,000, यू विल गेट हाउ मच यू आर गेटिंग, गिव मी द आंसर, हाउ मच यू आर गेटिंग? हाउ मच, कितना आंसर मिल रहा है माइनस करने पे? 98,252 मिल रहा है। अगर यही चीज को ना हम 20% लेके चलते, 20%, तो हमें ऐसे आंसर नहीं, हमें बराबर आंसर आता। अभी हमें देखो ऐसे डेसिमल में सब आंसर आ रहे हैं ना, अगर हम इसको 20% लेते तो कितना आता था? डू यू वॉन्ट टू टेक इट एज 20? तो इसमें आता था, देखो दोनों वे से कर सकते हैं, 24,600, तो हमने इसको क्या लिया? 20%, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22,000, और यहाँ पे हमें फिर अच्छा बराबर आंसर आ जाता 99,000, तो यहाँ पे इसको 19.88 लेने के बदले में हम राउंड ऑफ करके 20% ले सकते हैं। अभी हमारे पास टोटल कितना स्टॉक है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है? देखो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज हाउ मच? इट इज अबनॉर्मल का 4,200 का हमारे पास और नॉर्मल का 99,000, तो दोनों को मिला के वी हैव 1,03,200, 1,03,200. So now what we will do? We will find the actual loss. So actual loss कितना है? Actual loss is stock on date of fire. Stock on date of fire is 1,03,200, इसमें से लेस करेंगे सैलवेज्ड स्टॉक, पूछा है तो सैलवेज्ड स्टॉक, इज देयर एनी सैलवेज्ड स्टॉक इन द क्वेश्चन? नहीं
स्टॉक सैल्वेज्ड 7,500, तो वो माइनस कर लेते हैं तो कितना रहेगा एक्चुअल लॉस, फिर हमारे पास क्लेम कैलकुलेट करना है। क्लेम के लिए फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। सो हाउ मच इज द पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट इज 1,20,000। हाउ मच इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, 1,20,000। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 1,03,200 इंटू एक्चुअल लॉस इज 95,700। कितना आ रहा है देखो, हाउ मच आर यू गेटिंग विच यू विल लॉन्च विद द इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम टू बी लॉन्च कितना है, यू गेटिंग 1,11,279.06। तो वी विल टेक इट सेम बिकॉज जीरो है तो एक 280 करने का जरूरत नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1,11,279। विद दिस वी हैव गॉट द क्लेम टू बी लॉज विद द इंश्योरेंस कंपनी, दिस वॉज ओनली आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो विद दिस अवर सम इज डन, थैंक यू वेरी मच एवरी वन।